लेक्चर 7 पार्ट 5 चिड़ियाघर की सेल आपणे आगळ समझी गया। हवे आपणे आगळ समझी गया एना ऊपरथी आपणे थोड़ा प्रश्न समझवाना छे। तो प्रश्न नंबर छे के प्रश्न नंबर 3 जोईशुं। तो प्रश्न नंबर 3 नी अंदर आपणे एक चोरस खानुं आप्युं छे। हवे खानानी अंदर आपणे 3 मुद्दा आप्या छे अने ए 3 मुद्दा ऊपरथी आपणे नीचे 3 પ્રશ્નોના જવાબ છે એના જવાબ આપણે શોધીને લખવાના છે। તો આપણે પહેલા જોઈશું કે પ્રશ્ન નંબર 3 માંથી આપણે મુદ્દા ઉપરથી પ્રશ્ન જોવાના છે। તો આપણે પહેલો પ્રશ્ન જોઈશું। તો પહેલો પ્રશ્ન છે છોટે બચ્ચે ઓર વયસ્કો કી પલકે જપકને મે ક્યા અંતર હે। તો એનો જવાબ આવશે તો આપણે પહેલા વાંચવાનું અને પછી એમાંથી શોધવાનો। તો એનો જવાબ આવશે છોટે બચ્ચે अपनी पलके एक मिनट में औसतन औसतन इतने लगभग 1 से 2 बार झपकते हैं, जबकि वयस्कों में इसकी संख्या करीब 10 होती है। बीजा नंबर में जोईशु हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो एनो जवाब छे हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने में करीब 12 घंटे लगते हैं। अब एनु 3 नंबर जोईशु कि शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो जवाब शरीर में नाक और कान ऐसे 2 अंग है जिनके आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। अब अगर आप जोईशु प्रश्न नंबर 4 कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि वह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाला को क्या कहेंगे। तो कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते कि वह कछुए की चाल चलता है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाला को क्या कहेंगे। तो जवाब छे तेज चाल चलने वालों को चीता कहेंगे। और 5 नंबर नो चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चिड़ियाघर में जाकर हमें चिड़ियाघर के जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए। पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी के पिंजरे के पास नहीं जाना चाहिए और चिड़ियाघर में शोर नहीं मचाना चाहिए। हवे आपणे आगळ स्वाध्याय જોઈશું। तो स्वाध्यायनी अंदर आपणे प्रश्न आपी दीधा छे। हवे एनो जवाब आपणे लखवानो छे। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एनो 1 नंबर જોઈશું कि चिड़ियाघर की शेर के लिए कौन कौन आए थे। तो जवाब आवशे चिड़ियाघर की शेर के लिए गीता और दादाजी आए थे। 2 नंबर में छे बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो एनो जवाब छे बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। 3 नंबर में छे लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो एनो जवाब छे लंगूर का मुंह काला होता है। 4 नंबर में छे तालाब में क्या था। तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। 5 नंबर में छे गीता ने किसे पत्थर बताया। तो एनो जवाब छे गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 6 नंबर में छे कछुए का रक्षक क्या है। तो एनो जवाब छे कछुए का रक्षक खोल है। 7 नंबर में विदेशी पक्षी का नाम क्या था। तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो एनो जवाब आवशे सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। हवे आगळनो प्रश्न जोईए। तो प्रश्न नंबर 2 एमां आपणे उदाहरण आपी दीधुं छे अने उदाहरण परथी आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रंग कर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण में छे पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो जो आ बाजू खाली जगह नहीं पर आ बाजू खाली जगह से एने आना शब्द उपरती आपणे आने खाली जगह पूरवानी छे। तो 1 नंबर में छे तालाब में हाथी नहा रहा है। तो एनी सामे लखीशू तालाब में हाथनी नहा रही है। 2 नंबर में रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। 3 नंबर में जंगल में मोरनी नाच रही है। तो एनी सामे लखीशू कि जंगल में मोर नाच रहा है केम के अहीं मोरनी शब्द आप्यो छे एटले एनी सामे आपणे मोर शब्द लखवो पड़े। 4 नंबर में पिंजरे में शेर
दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। हवे त्रण नंबर में जोईशुं के नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो आपने जंगल नुं दृश्य आप्युं छे, तो जंगल ना दृश्य उपरथी आपणे वाक्य लखवाना छे अने आनी अंदर शुं शुं वर्णन कर्युं छे आपणे शब्दों में अने वाक्यों में लखवानुं छे। तो आपणे लखीशुं के जंगल में बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ पहाड़ भी है, नदी बह रही है, नदी में बतख तैर रही है, हाथी अपनी सूंड उठाए खड़ा है, बंदर पर लटक रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, शेर अपनी गुफा में बैठा है, जिराफ घूम रहा है, खरगोश घास में खेल रहा है, हिरन हिरनी नदी का पानी पी रही है। इस प्रकार जंगल में बहुत सारे प्राणी घूम रहे हैं। अपने वर्णन कर लीधु, हवे आगळ जोईशुं तो चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपने चित्र आप्या छे पण ए चित्र ना जवाब आपणे शोधीने लखवाना छे। तो पहेलुं छे खाली जग्या जोर से गरजा, तो गर्जना कोण करे? सिंह। तो एना माटे शुं लखीशुं? से। बे नंबरमां लखीशुं चिड़ियाघर में एक सींगवाला, खाली जग्या था, तो सींगवाला एटले सींगड़ावाला, तो शुं हतुं? गेंडा। तो आपणे जवाबमां लखीशुं गेंडा। त्रण नंबरमां तालाब में खाली जग्या तैर रही थी, तो तालाबमां कोण तरी रह्युं हतुं? बतक। तो एनो जवाब लखीशुं आपणे बतक। चार, हरियल खाली जग्या है टें टें करता था, तो हरियल तोता, तो खाली जग्या में आपणे तोता शब्द मूकीशुं। हवे आनी अंदर छे जोड़का, प्रश्न नंबर 5 आप्यो छे, एनी अंदर छे जोड़का। चित्र पहचान कर, जत में से उसका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। पहलू छे सिंह, तो शेर, मगफली तो मूंगफली, केड़ा तो केला, गेंडा तो गेंडा, रीछ तो भालू अने मछली तो मछली। एवी रीते आ बाजू पण आपेला छे। तो पहलू छे मगर, तो मगर साथे जोड़ीशू। जो अहीं आगर चिड़िया छे पण अहीं गोरैया शब्द आप्यो छे एटले आपणे गोरैया साथे जोड़ीशू। पछी त्रीजा नंबर में छे तोता, चौथा नंबर में छे मोर, पांचवा नंबर में छे शुतुरमुर्ग अने छठा नंबर में छे हाथी। तो अहीं तमारो अभ्यास अने स्वाध्याय पूरो थाय छे, तमारे विषयनी नोट में लखवानो।